हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से क्या कर रहा है। इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है जब ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो देखिए हम लोग ये ए नंबर ऑप्शन देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में ए इनवर्स। तो ये आपका ट्रू है क्योंकि देख लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में ए इनवर्स के लिए अगर आप फॉर्मूला लगाएं तो वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है। इससे ये कट जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बच जाएगा, तो इसके इक्वल हो जाएगा। ये ट्रू है, करेक्ट है। इसके लिए देखिए हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इनवर्स के इक्वल होता है। ये भी ट्रू है। ये चीज आपका इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। ए प्लस बी का इनवर्स ए का इनवर्स प्लस बी के इनवर्स के इक्वल नहीं होता है। 22 नंबर देखिए, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच डैट ए स्क्वायर इक्वल टू में आइडेंटिटी। ए स्क्वायर किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? तो हम लोग ए इनवर्स इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर इंटू में ए इनवर्स और इधर आइडेंटिटी इंटू में ए इनवर्स। तो इधर आपका ए आ जाएगा और इधर आपका ए इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ए इनवर्स ए के इक्वल हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है। लेट ए एंड बी, यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं एंड एक्स बी मैट्रिक्स। ये देखिए ए एंड बी दो बाई दो ऑर्डर के मैट्रिक्स है और एक्स भी आपका दो बाई दो ऑर्डर का ही कोई मैट्रिक्स होगा, सच डैट यहाँ दिया हुआ है ए इक्वल टू में बी एक्स, ठीक है। देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इसमें से किसके इक्वल होगा? तो ए का वैल्यू यहाँ पे रखिए 1, 2, 3 - 5, बी का वैल्यू यहाँ पे रखिए 1, 0, 0, 2 और यहाँ पर x। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग ये काम करते हैं, इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि R2 के प्लेस पर हम लोग यहाँ कर देते हैं 1/2 R2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर आइडेंटिटी आ जाएगा। चलिए 1, 2, 3/2 - 5/2, इधर देखिए क्या हो जाएगा 1, 0, 0, 1 × x। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए इसमें से मैं 1/2 कॉमन कर लूंगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, 4, 3 - 5 और इधर ये आइडेंटिटी में इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ ये 1/2 और ये मैट्रिक्स 2, 4, 3, 5 - 5 आ गया, यानी कि ए नंबर आंसर हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 नंबर में देखिए यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स दिया है बी सच दैट ए का इनवर्स के इंटू ए के इक्वल है, देन के इज इक्वल टू, के का वैल्यू क्या होगा इसमें से? चलिए हम लोग इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स दिया है 2, 3, 5 - 2। अच्छा तो एक काम करते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4 - 15 यानी -19 ≠ 0। अब इसके बाद इनके हर एक एलिमेंट का को फैक्टर की बात करते हैं, -2 यहाँ पर, -5 यहाँ, -3 और यहाँ पर हो जाएगा +2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में, इनको फैक्टर को लिख देते हैं -2 - 5 - 3 2 का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे -2 - 5 - 3 + 2, यही ना हो जाएगा। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू 1/determinant ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/determinant ऑफ ए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -19 और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ देखिए क्या है -2 - 3 - 5 और यहाँ 2, ये माइनस अंदर लेके चल जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/19 और यहाँ आ जाएगा 2, 3, 5 - 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये आपका ए का ही ना वैल्यू है, 1/19 ए के इक्वल हो गया ए इनवर्स, यानी कि यहाँ पे ये के का वैल्यू यही ना हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा 1/19। ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया है, बी नंबर है, यही ना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है। ए इक्वल टू में देखिए यहाँ ये मैट्रिक्स दिया है 3/3 ऑर्डर का, यहाँ कह रहा है सेटिस्फाइंग ए का ट्रांसपोज इन टू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, देखिए ए का ट्रांसपोज इन टू ए जो है आपका आइडेंटिटी है, तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं यहाँ पर 1/3, ये कॉन्स्टेंट तो ऐसे ही रह जाएगा, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 1, 2, 2, 2, 1 - 2 x 2 y और फिर यहाँ ए जो मैट्रिक्स है ये 1/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 2, 2, 2, 1 - 2 x 2 y, ठीक है। और इक्वल टू में आइडेंटिटी यहाँ पे देखिए क्या है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ठीक है। चलिए
अब इसके बाद देखिए, यहाँ ये 1/9 हो जाएगा और उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 + 4 और +x²। ठीक है, फिर देखिए सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 + 2 + 2x। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 - 4 + x y। ठीक है, 2 - 4 + x y। फर्स्ट रो में अब सेकेंड कॉलम से करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, यहाँ आ जाएगा 2 + 2 + 2x। ठीक है, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 + 1 + 4। थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 4 - 2 + 2y। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 - 4 + x y। ठीक है, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 2 + 2y। अच्छा, थर्ड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4 + 4 + y²। ठीक है, और इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 9000090009। ठीक है, ये जो 1/9 यहाँ आया था उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ हर एक एलिमेंट में। चलिए अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 + 2 + 2x इक्वल टू में ये 0 ले लेते हैं। अच्छा, y वाला कोई ले लेते हैं, y वाला यही ले लेते हैं, तो हो जाएगा 4 - 2 + 2y = 0। यहाँ ये 4 होगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये ले जाएंगे डिवाइड में तो x का वैल्यू -2। यहाँ ये सब्ट्रैक्ट होगा 2 जाके उधर माइनस का 2 हो जाएगा और ये जाएगा डिवाइड में तो y का वैल्यू -1। तो x का -2 और y का -1 है, तो हमें x प्लस वाई बताना है, यानी कि -2 और प्लस का -1, यानी कि -3 आ जाएगा। तो आंसर में देखिए -3 आपका ये रहा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ इफ ए एक मैट्रिक्स दिया है 3x3 ऑर्डर का, हमें इसका वैल्यू इसमें से किसके इक्वल है देखते हैं। दिया हुआ है हमारे पास, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर की इसमें जरूरत है, ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। 1 - 1 - 0 - 1 - ab2 इंटू में 1 - 1 - 0 - 1 - ab2। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पे 1 + a हो जाएगा, है ना। ठीक है, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 0 + b। ठीक है, थर्ड रो में आप कर दो, सॉरी 0 + 0 + a ना हो जाएगा, है ना, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो। ठीक है, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहाँ 0 + 2a, है ना जी, देख लीजिए 0 + 2a। फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से करते हैं तो 0 + 0 + b, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो 0 + 0 + b, थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से तो 0 + 0 + 2b। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से, तो यहाँ पे 1 + 0 + 2, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से तो यहाँ 0 + 0 + 2। ठीक है, थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 a + b + 4। चलिए यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इन्हें 1 + a b 3 a b 2 a + 2 a 2 b a + b + 4। अच्छा, अब इसका वैल्यू अगर निकालोगे a (identity) + b (a) + 2a²। चलिए अब यहाँ वैल्यूज को रखते हैं। ठीक है, तो a (identity) आपको पता ही है कि 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1। अच्छा, b(मैट्रिक्स A जो दिया हुआ है 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 और फिर ab2 और +2a² का वैल्यू हमने अभी निकाला है 1 + a b 3 a b 2 a + 2a। इसको हम लोग 3a कर सकते थे ना, पहले भी हमने देखा नहीं है यहाँ पे, है ना जी, 3a कर देते हैं इसको, 3a 2b a + b + 4। तो देखो आप इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा,
यहाँ आ जाएगा आपका ए जीरो 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 ए जीरो 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 ए। अच्छा यहाँ हर एक में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी जीरो बी जीरो जीरो बी ए बी बी स्क्वायर टू बी। ठीक है ये ना हो जाएगा। ठीक है अच्छा यहाँ पर देखिए इसमें टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा टू प्लस टू ए टू बी सिक्स टू ए टू बी फोर थ्री टू या सिक्स ए फोर बी और यहाँ पर टू ए प्लस का टू बी प्लस का एट। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या आएगा देखो तो यहाँ हो जाएगा आपका आ जाएगा थ्री ए प्लस का बी प्लस का टू यहाँ आ जाएगा टू बी यहाँ आ जाएगा टू बी। ठीक है फिर यहाँ आ जाएगा टू ए यहाँ आ जाएगा ए प्लस का टू बी यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस का फोर यहाँ हो जाएगा आपका ए बी प्लस का सिक्स ए यहाँ आपका बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का फोर बी यहाँ हो जाएगा थ्री ए प्लस का फोर बी और प्लस का ए। तो ये आपके किसी के भी इक्वल नहीं हो रहा है इसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऐसे भी हमको पता था नन ऑफ दीज ही आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। इफ यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है और फिर यहाँ पे एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स यहाँ पे है ठीक है और इक्वल टू मी है देन यहाँ पर यह किसको ए और बी के वैल्यू किसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले तो इसका इन्वर्स निकाल के तब यहाँ पे रखा जाएगा। पहले इसका इन्वर्स निकालते हैं। लेट इसे ले लेते हैं ए इक्वल टू मी जो दिया हुआ है हम लोग ए इक्वल टू मी जो मैट्रिक्स है वन टेन थीटा माइनस का टेन थीटा और यहाँ वन। पहले इसका इन्वर्स निकालते हैं तब यहाँ पे रखेंगे ठीक है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात कर लेते हैं तो आ जाएगा वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। चाहो तो आप इसे सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। चलिए हर एक एलिमेंट का आपको फैक्टर निकालते हैं वन सी वन टू ये प्लस का टेन थीटा हो जाएगा सी टू वन माइनस का टेन थीटा हो जाएगा और सी टू टू यहाँ वन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में हर एक एलिमेंट यहाँ लिख देते हैं वन टेन थीटा माइनस का टेन थीटा और यहाँ पे वन इसका ट्रांसपोज निकालेंगे यहाँ हो जाएगा वन टेन थीटा माइनस का टेन थीटा और यहाँ पर वन। ठीक है चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं ए का इन्वर्स जो आएगा यहाँ पे वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे ना तो वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए क्या है वन माइनस का टेन थीटा यहाँ पर टेन थीटा और यहाँ वन। ठीक है चलिए ये ए इन्वर्स हो गया। ठीक है तो अब हम लोग ऊपर जो आपका दिया है इसमें रख देते हैं। देखिए वन माइनस टेन थीटा टेन थीटा और वन है ना जी। चलिए आगे देखते हैं यानी कि ये जो ऊपर जो मैट्रिक्स है ना इसी की तरह यहाँ पे सेम दिया हुआ है ना। चलिए तो रखते हैं यहाँ पर आपका क्या था ऊपर मैट्रिक्स वन माइनस का टेन थीटा और वन यही ना था देख लीजिए ऊपर यही था और इन टू में उस जो इन जो मैट्रिक्स दिया उसका इन्वर्स ये है वन बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा या यहाँ सेक स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं यही रहने दो और इनटू में यहाँ पर है वन माइनस टेन थीटा और यहाँ वन इक्वल टू में क्या था जी इक्वल टू में जो मैट्रिक्स दिया था ए माइनस बी बी ए माइनस बी बी ए। ठीक है चलिए अब देखिए इसको हम लोग अलग रख लेते हैं वन बाई वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो वन प्लस का टेन स्क्वायर वन माइनस का हो जाएगा ना सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो टेन थीटा और प्लस का टेन थीटा। फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस टेन थीटा माइनस का टेन थीटा। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में ए माइनस बी बी ए। ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सब में मल्टीप्लाई कर देगा तो देखो ना वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है और यहाँ माइनस टू टेन थीटा बाई में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
नीचे यहाँ देखो, टू टेन थीटा बाई में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और बाई में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू में ए माइनस बी बी ए। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला जानते ही हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका कॉस टू थीटा का हो जाएगा, ये आप माइनस है तो माइनस साइन टू थीटा, ये साइन टू थीटा का, ये कॉस टू थीटा का, और इक्वल टू में यहाँ दिया हुआ है ए माइनस बी बी ए। तो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते हैं तो ए का वैल्यू कॉस टू थीटा और बी का वैल्यू साइन टू थीटा हो जाएगा, समझ गए। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन में ये रहा, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इफ द मैट्रिक्स ए सच डेट, यहाँ पे ये दिया हुआ तो इसका इन्वर्स निकालना है, दिया है 3a³ प्लस का 2a² प्लस का 5a प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू में जीरो। चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, हमें a इनवर्स निकालना है ना जी, तो a इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक में, ठीक है, a इनवर्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी जीरो मैट्रिक्स में इनवर्स। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3a² प्लस का 2a प्लस का 5 आइडेंटिटी प्लस a इनवर्स इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। चलिए इन सबको उधर लेके चल जाते हैं, तो a इनवर्स इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस 3a² प्लस का 2a प्लस का 5 आइडेंटिटी के, यही ना हो जाएगा। चलिए तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी होना चाहिए 5 आइडेंटिटी, यहाँ अगर आइडेंटिटी होता तो यही ऑप्शन हो जाता। चलिए तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, तो ए वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है ना जी, यानी कि बी नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे, यहाँ ए एक मैट्रिक्स दिया 2x2 रखा, तो ए का पावर एन के लिए इसमें से कौन सा ट्रू होगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ ए स्क्वायर की बात करें, समझो यहाँ ए स्क्वायर यानी इसी को दो बार मल्टीप्लाई करके देखो पता चलेगा, 2 - 1 3 - 2 इंटू में 2 - 1 3 - 2 मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 4 - 3, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 6 - 6, और फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से सेकेंड कॉलम से तो आपका -2 + 2, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो -3 और प्लस का 4। तो यहाँ देखिए हमें आ जाएगा 1 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी आ रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी आ रहा है, यानी कि एन इवन होने पर आइडेंटिटी हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n इज इवन नेचुरल नंबर, देन दैट मीन्स ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा a का पावर n, यानी a नंबर ही आपका सही है यहाँ पे, समझ रहे ना, ऐसे a का पावर 4 भी यही आएगा, a का पावर 6 भी यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है, xyz आर नॉन जीरो रियल नंबर देन द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देखो एक R1 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे बचेगा y00z, यानी x और इंटू में yz हो जाएगा यहाँ पर, यानी xyz इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा। तो अगर हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे C11, तो ये आपका देखो ये रहो ये कलम हट गया, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू yz, C12 ये आपका ये लेंगे ये रहो ये कॉलम हटाएंगे जीरो ही आ जाएगा, C13 ये आपका जीरो आ जाएगा, C21 ये भी जीरो, C22 अब देखिए C22 ये आपका पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटाएंगे इन चारों का डिवाइड xz आ जाएगा, C23 ये जीरो आ जाएगा, C31 आपका जीरो, C32 आपका जीरो, C33 क्या होगा, हाँ ये रहो ये कॉलम हटेगा इन चार को डिटर्मिनेंट xy आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं adjoint of a इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इनको फैक्टर्स को लिख लेते हैं yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy, ठीक है, और इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, यानी यहाँ से अब हो जाएगा ये यहाँ से yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy, यही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो 1 by determinant of a और इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, ये जो आया है yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy। चलिए अब xyz से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जब मल्टीप्लाई करेगा 1 by xyz तो यहाँ आ जाएगा
वन बाई एक्स जीरो जीरो जीरो, वन बाई वाई जीरो जीरो जीरो, वन बाई जेड, यानी आप इसे लिख सकते हैं ना यहाँ पर एक्स इन एक्स का पावर माइनस वन जीरो जीरो जीरो, वाई का पावर माइनस वन जीरो जीरो जीरो, जेड का पावर माइनस वन। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो हमें ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है यहाँ। तो ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया फिलहाल इस वीडियो में ही तक, आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।